नमस्कार, आप देख रहे हैं एपटी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शनिवार को सड़क हादसे में हुई दो किशोरों की मौत का आग रविवार को भड़की। पुलिस कर्मियों पर लापरवाही का पर आरोप लगाते हुए गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने किशोरों का शव हाईवे पर रखकर आवागमन ठप कर दिया। तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ, पुलिस प्रदर्शनकारियों को शांत करने के प्रयास में लगी है। यह है पूरा मामला। खीरो थाना क्षेत्र का यहां के निवासी सुधीर 17 और सूरज 16 बाइक पर सवार होकर शनिवार सुबह जा रहे थे। बिंदाखेड़ा गांव की मोड़ पर पहुंचते ही बाइक बेकाबू होकर सड़क के किनारे यूकेलिप्ट के पेड़ से जा टकराई, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएससी पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवारजनों को सौंप दिया था। घटना से नाराज परिजनों ने रविवार को लगभग 500 से अधिक ग्रामीणों के साथ सेमरी चौराहे पर सौरख का प्रदर्शन किया। आरोप है कि एक स्थानीय भट्टा मालिक की ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर लगने के बाद यह दुर्घटना हुई है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक व भट्टा मालिक को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। इसके अलावा दोनों किशोरों के मोबाइल भी सेमरी चौकी प्रभारी ने जब्त कर लिया है। मृतक के परिजन व प्रदर्शनकारी दोषी पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लालगंज, सरेनी, गुरबक्सगंज व खीरो सहित पूरे लालगंज सर्किल पर भारी फोर्स तैनात है। पुलिस परिवारजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन समाप्त करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण एसपी के आने और तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण कई किलोमीटर लंबे जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है? क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हमारा भांजा सुदीप और एक चाचा का लड़का सूरज, दोनों जहाँ सुबह महारानी गंदावा लेने जा रहे थे और वही ये सकतपुर के पास कोई मोड़ है, तो वहाँ पे जो है बताया पुलिस पूरा स्टाफ बताया कि उसमें पेड़ से हुआ है और जब भी पेड़ से नहीं टाली से हुआ है, बाइक में पेंट लगा है और उसमें पुलिस तुरंत जो है भांजा हमारा तड़प रहा था उसको नहीं ले गए, जब तक साथे मृतक और पटाली सब साथे ले गए, वहाँ पर भी जो हमारा सीएससी में ले गए तब सूचना दिए, दरे पर का मामला तब सूचना दिए। तो क्या पता चला है कि किसे एक्सीडेंट हुआ है, क्या कुछ पता चला है? पता चला कि सौरभ कोई टाली की मतलब गया था और कौन ब्यूटी पार्लर बता रहे थे, पायल ब्यूटी पार्लर ड्राइवर था ही तो चलाता उसमें, पायल ब्यूटी पार्लर वाला चला रहा था गाड़ी, सुबह लेके गए और परिजन को मिलने भी नहीं दिया। लास्ट पहले तो घंटा पहले भेज दिए गए और मृतक का कागज 2 घंटा बाद मिले हम लोगों का। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं? न्याय चाह रहे हैं, यहाँ सेमरी चौकी के पास है, चौराहे पे है, न्याय चाहिए हमारे छोटे हमले आदमी को जो टाली से उसको पुलिस पकड़ के लाए, उसको कार्रवाई करे, न्याय चाहे हमको। नाम है राजकुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? इधर हम छतौना के रहने वाले हैं, पोस्ट भोजपुर थाना सरेनी जिला रायबरेली के रहने वाले हैं। इस समय कहाँ पर खड़े हैं? इस समय हम सिमरी चौराहा पे खड़े हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि कल जो है बच्चे जो है अपनी बहन के यहाँ जा रहे थे और वापसी में जो है इनको पंजाबी सिंह का जो है ट्रैक्टर के माध्यम से एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद वहाँ ग्रामीण, हम लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन वहाँ के ग्रामीण जो है बता रहे हैं कि इनके जो है ट्रैक्टर से हादसा हुआ है और इतनी वहाँ पर ग्रामीण डर है, उनका डर है कि वो बताना नहीं चाहते हैं कि ये उन्हीं के ट्रैक्टर से हुआ है, वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। ये घटना कब हुई थी? ये कल सुबह 9 बजे की घटना है। ये घटना का मतलब ये जानकारी पुलिस को किस संदर्भ में हुई है कि किस चीज से घटना घटी है? ये इस घटना की जानकारी पुलिस के माध्यम से घर वालों को मिली है और घर वालों को ये सब कुछ नहीं पता था, वो डेड बॉडी जो है और उसके बाद ये सीएससी ले गए खिरो और उसके बाद रेफर कर दिए वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए रायबरेली के लिए। किसके वाहन से एक्सीडेंट हुआ था? ये पंजाबी सिंह के वाहन है। ये पंजाबी सिंह कहाँ के रहने वाले? पंजाबी सिंह यहीं के रहने वाले हैं।